गुड मॉर्निंग फ्रेंड सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में आपका मैं ध्रुव कुमार दीक्षित स्वागत करता हूँ। 28 अगस्त आज मैं आपसे चर्चा करूँगा एक प्रमुख समाजशास्त्री चार्ल्स राइट मिल्स, अमेरिका के एक प्रमुख समाजशास्त्री हैं चार्ल्स राइट मिल्स। 28 अगस्त इनका जन्मदिन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख समाजशास्त्रियों में इनकी गिनती की जाती है। चार्ल्स राइट मिल्स के काफ़ी सिद्धांत हैं और ये इनका जन्म जो है 28 अगस्त 1916 को टेक्सास प्रांत के वाको नामक शहर में हुआ था। विश्वविद्यालयीन जीवन में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, बाद में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में पीएचडी की शोध उपाधि प्राप्त की। अत्यंत प्रतिभा संपन्न थे, छात्र जीवन से ही इनके निबंध प्रकाशित होने लगे थे। मिल्स के बारे में आम धारणा ये कि ये एक शाश्वत विद्रोही स्वभाव के थे, इसलिए इनकी किसी से बनती नहीं थी। अमेरिका में इन्हें जमकर विरोध किया, अमेरिका के जितने भी समाजशास्त्री थे सबका इन्होंने विरोध किया। वास्तविक जीवन में भी बहुत जोरदार इनका जीवन था। वास्तविक जीवन में चमड़े की जैकेट और मोटरसाइकिल से वो अपने उग्रवाद को उजागर करते थे। 3 शादियां की इन्होंने, व्यक्तिगत जीवन इनका बड़ा उतार चढ़ाव का था। मैरीलैंड विश्वविद्यालय में अपना अध्यापकीय जीवन प्रारंभ किया और 1945 में कोलंबिया विश्वविद्यालय की अनुसंधान शाखा से जुड़ गए और बाद में यहीं से समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए। जेच अब्राहम लिखते हैं कि मिल्स अपने समकालीन सहयोगी में बहुत ही हाइट पे थे, ऊंचे दर्जे के थे। अब्राहम कहते हैं मिल्स ने शक्ति का जो विश्लेषण किया है वह बहुत प्रभावी था। बाटामोर के बाद मिल्स का ही शक्ति का विश्लेषण माना जाता है। इन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं। शराब की इनको बहुत बुरी आदत थी जिससे इनका दिल धीरे धीरे कमजोर होता गया और इनको 3 हृदयघात के झटके पड़े। यानी 3 हमले, दिल पे जो 3 हमले हुए इससे आप सोच सकते हैं कि बहुत ही कम मात्र 45 साल की उम्र में 20 मार्च 1962 को न्यूयॉर्क में आपका निधन हो गया। आखिरी झटका ये, इनका दिल सहन नहीं कर पाया और बहुत ही कम आयु में चले गए। लेकिन 45 वर्षीय मिल्स का जो है, जितना इनका विवाद दूसरों से सहयोग ना करने वाले विद्वान के रूप में था कि बहुत विवादी हैं, सबसे असहयोग करते हैं, उससे ज्यादा इनकी चर्चा इनकी किताबों इनकी बौद्धिक क्षमता की थी। ये बौद्धिक रूप से कॉलेज से ही सक्रिय थे, निबंध इनके निरंतर प्रकाशित होते थे। 1946 में हॉन्स गर्थ के साथ मिलकर इनने पहली पुस्तक लिखी, फ्रॉम मैक्स वेबर एक्सेस इन सोशियोलॉजी। 1948 में मिल्स ने स्वतंत्र रूप से द न्यू मैन ऑफ पावर अमेरिकाज लेबर लीडर्स लिखी। 1950 में इनकी एक किताब और आई है गोल्डस्टीन के साथ, द प्यूरोटोरिकन जर्नी न्यू आर्थ न्यू वेस्ट माइग्रेंट्स। 1951 में अमेरिकी मध्यम वर्ग के संबंध में व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस लिखी, बहुत ही ऐतिहासिक किताब है व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस, में अमेरिका मिडिल क्लास को उन्होंने काफ़ी कुछ विश्लेषित किया है। एक इनकी किताब हॉन्स गर्थ के साथ 1953 में आई थी, कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर। यह पुस्तक, ये जो किताब है समाजशास्त्र के सिद्धांतों के, मिल्स की सबसे गंभीर पुस्तक है। 1953 में इन्होंने लिखी द साइकोलॉजी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, इसमें थॉस बेबलेन ने इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा की है। एक इनकी किताब थी बेबलेन की, 1953 में आई थी, बेबलेन की पुस्तक द थियरी ऑफ लेजर क्लासेस, उसमें मिल्स ने भूमिका लिखी है। बेबलेन की किताब में ने भूमिका लिखी थी। समाजशास्त्र के बहुत ही छोटी आयु थी इनकी, लेकिन इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत छोटी पुस्तक लिखी इन्होंने। अपनी जैसी इनकी आयु कम थी उसी तरह से समाजशास्त्र की एक बहुत छोटी पुस्तक लिखी, लेकिन बहुत गंभीर पुस्तक थी। ये थी द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, 1959 में समाजशास्त्र के बारे में लिखा था, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। और सी राइट मिल्स वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में संकट के समय पैदा हुए थे, पले संकट में ही पले बड़े, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की हालत बहुत खराब हो गई थी, वित्तीय संकट आ गया था और उससे उबरने का अमेरिका प्रयास कर रहा था।
जिसमें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने बहुत योगदान किया। उसी के दौरान उन्होंने बहुत कुछ लिखा और मिल्स ने एक सार्थक लोकतंत्र का समर्थन किया है और साथ ही साथ लोकतंत्र के नाम पर अल्पसंख्यक पावर एलिट के शासन का विरोध किया। वो नहीं मानते थे, बोले सत्ता में कुछ लोग होते हैं जो कि सत्ता चलाते हैं, बोले ऐसा नहीं है। तो पावर एलिट के शासन का इन्होंने जमकर विरोध किया। वास्तव में दर्शन शास्त्र से समाजशास्त्र में आए थे, तो इनके अध्ययन में बौद्धिक परंपरा जो है दर्शन शास्त्र की झलकती है। मिल्स की खासियत यह थी कि अंग्रेजी में उपलब्ध जो पुस्तकें थी उससे उन्होंने जर्मन बौद्धिक परंपरा का ज्ञान प्राप्त किया। और वास्तविकता तो यह है, जर्मन भाषा के जानकार जो थे विद्वान, जैसे पार्सन्स, मर्टन, कोजर से कहीं अधिक प्रखरता के साथ समाजशास्त्र, विशेष रूप से जर्मन समाजशास्त्र का विश्लेषण सी राइट मिल्स ने किया है। ये इतिहास से भी बहुत प्रभावित थे। जे एच अब्राहम ने उनके संबंध में लिखा है कि मिल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की दृष्टि से प्रेरित होकर सामान्य घटनाओं का विश्लेषण करते हुए बहुत से सैद्धांतिक निष्कर्ष दिए हैं। मिल्स यद्यपि मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन मार्क्स उन्होंने पढ़ा बहुत और मार्क्स की बातों का विश्लेषण भी किया है। संघर्ष की व्याख्या सामाजिक जीवन के आधार पर करते हुए उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया। मिल्स ने कहा कि थॉस्टिन बेबलन जो है अमेरिका के सबसे बड़े समाजशास्त्री थे और थॉस्टिन बेबलन इनकी बढ़ाई करते थे। फिर 1959 में इनकी जो किताब मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण किताब है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये एक छोटी किताब है, बहुत छोटी किताब है, लेकिन गॉर्डन मार्शल कहते हैं मिल्स की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इस पुस्तक ने, मिल्स ने कहा है कि समाजशास्त्र एक सार्थक कल्पना, एक विज्ञान नहीं। अब देखिए, मार्क्स के और उसके पहले के जितने भी विद्वान थे, अगस्त काम वगैरह, समाजशास्त्र को विज्ञान की बात करते थे, लेकिन सी राइट मिल्स कहते हैं समाजशास्त्र एक सार्थक कल्पना है, एक विज्ञान नहीं है। यह उनके शीर्षक से भी निकलता है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात करते हैं। यह पुस्तक एक प्रकार की सामाजिक आलोचना है। मिल्स कहते हैं शासक समूह या अभिजन में जनता के सरोकार से संबद्धता होनी चाहिए। मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र एक समाजशास्त्री दृष्टि है, विश्व को देखने का एक तरीका है। बोले समाजशास्त्र वास्तव में एक समाजशास्त्री दृष्टि है जिससे हम वर्ल्ड को देखते हैं, समाज को देखते हैं। सामाजिक समस्याओं और घटनाओं का निष्पक्ष होकर केवल विवेचन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करना चाहिए कि समाजशास्त्र के माध्यम से हम मानववादी मुद्दों और सामाजिक प्रश्नों को हल कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक सार्थक कल्पना के रूप में देखा जाए जिससे हम बेहतर समाज और एक मानवतावादी समाज की स्थापना कर सके। अमेरिकी समाजशास्त्र की तो उन्होंने जबरदस्त आलोचना, गंभीर आलोचना की है। प्रकारवाद के जो नायक थे उस समय के अमेरिकी समाजशास्त्र के मुख्यधारा के समाजशास्त्री टालकर पार्सन की तो बहुत आलोचना की है, उनको आपत्ति थी। पार्सन ने सरल और सामान्य विचारों के लिए क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया। बोले सरल शब्द भी उपयोग किए जा सकते थे, लेकिन प्रकारवाद में बहुत क्लिष्ट शब्द प्रयोग किए। ये कहते हैं इनकी पद्धति उचित नहीं है। पार्सन व्यवस्था के प्रति अधिक चिंतित थे, इसलिए बार बार मिल्स कहते हैं समाजशास्त्र को हमें अनिवार्य रूप से समाज की आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन करना चाहिए, उसे केवल व्यक्तियों की परिस्थिति और चरित्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अभी हो क्या रहा है समाजशास्त्र में, हम व्यक्ति की परिस्थितियों है ना और चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं। मिल्स कहते हैं हमें राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये भी समाज से प्रभावित होती हैं और समाज को प्रभावित करती हैं। समाजशास्त्र समाज के इतिहास के संदर्भ में अगर हम व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे तो ये कहते थे समाजशास्त्र समाज के इतिहास के संदर्भ में व्यक्तियों की जीवनी का अध्ययन बन जाएगा, मतलब वो बायोग्राफी बन के रह जाएगा। समाजशास्त्री कल्पना का महत्व केवल समाजशास्त्री के लिए नहीं है, बल्कि इसका महत्व समाज के हर सदस्य के लिए है। यदि लोग अपने को समझना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उसे संवारना चाहते हैं, तब उन्हें समाजशास्त्री कल्पना को महत्व देना ही होगा। सी राइट्स मिल्स ने एक और बात कही है कि समाजशास्त्र उसी समय सफल होगा जब लोग समाज को ऐसी कल्पना के रूप में साकार करेंगे एवं समाजशास्त्र की पुस्तक सिद्धांत में उन कल्पनाओं को साकार करेंगे। मिल्स का समाजशास्त्र वास्तव में एक सामाजिक आलोचना है, इसको सामाजिक आलोचना के रूप में देखेगा। सी राइट्स मिल ने जो विशेष चर्चा में आया वो था अभिजन सिद्धांत, इलाइट थ्योरी, अभिजन सब्रांजन के सिद्धांत से। वास्तव में शक्ति विमर्श और इस संदर्भ में यह विमर्श
अमेरिकी शक्ति के वितरण और प्रयोग की चर्चा, उसमें अमेरिका में जो शक्ति का वितरण और चर्चा थी प्रयोग उसके आधार पे शक्ति अभिजन का सिद्धांत दिया था। दूसरी चीज, सी राइस मिल्स प्रोफेशनल श्रेणी उनको स्वीकार नहीं थी, वो निम्न मध्यम वर्ग का उन्होंने बहुत चर्चा की है। उनकी एक किताब जो मैंने बताया था व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेज, ये 1953 में किताब आई थी, इसमें उन्हें मिल्स ने सफेद पोश निम्न मध्यम वर्गीय कर्मचारियों की चर्चा की है। वो कहते हैं अमेरिका में निम्न मध्यम वर्ग छोटा होता जा रहा है, यह वर्ग अपने संसाधनों को बढ़ाने का जितना अधिक प्रयास करता है उसकी दुर्दशा उतनी अधिक बढ़ती जाती है। अमेरिका की वृद्धि समृद्धि जो है, अमेरिका की समृद्धि असमान समृद्धि है, यह समृद्धि एक छोटे से समूह में केंद्रित है और इसके विपरीत अधिकांश जनता समान सुविधाओं को जीवन जीने के लिए बाध्य। तो ये उन्होंने इसमें न्यू मैन पावर में अमेरिकी वर्ग संरचना की बात की है, जिसमें अमेरिका जो है मजदूर नेताओं की दृष्टि वर्गीय दृष्टि नहीं है, ये कहते हैं। दूसरी चीज, सामाजिक संरचना और सामाजिक अंतःक्रिया का भी संयोजन उन्होंने किया है। एक अंत में जो अब्राहम जो थे, जे एच अब्राहम, वो शक्ति अभिजन के संबंध में कहा कि मिल्स का जो विश्लेषण है वो एक अलग और प्रभावशाली विश्लेषण है। होरोविज ने भी शक्ति राजनीति और जनता के संदर्भ में मिल्स के जो शक्ति संबंधी विमर्श को एक अत्यंत उच्च कोटि का प्रभावशाली विमर्श बताया। संयुक्त राज्य अमेरिका में सी राइट्स मिल्स को उन मुख्य धारा के विरुद्ध अपने विचारों को रखने वाला विद्वान माना जाता है। इनका जो मूल्यांकन होता है, क्योंकि 45 वर्ष की आयु में खत्म हुए थे, इसलिए सी राइट्स मिल पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई है कि कम समय में इतनी किताबें लिख दी, इतने निबंध लिख दिए समाजशास्त्री, और इतना प्रखरता के साथ अमेरिका का विरोध किया। तो इसलिए कहते हैं ये ही एकमात्र विद्वान है जो अपनी बात रख सकता है। वो एक, कुछ लोग तो इनको एक बागी के रूप में देखते हैं कि मुख्यधारा से जुड़े विद्वानों ने मिल्स को लोक लुभावन नारों का समाजशास्त्री, बोले कि जो मुख्यधारा चल रही थी उसके अगेंस्ट मिल्स लोक लुभावन मुहावरा रख रहे हैं, नारे रख रहे हैं। तो ये नारे वाले स्लोगन सोशलिस्ट कहते हैं। गॉर्डन मार्शल कहते हैं मिल्स ने सतही समाजशास्त्र की चर्चा की है, बहुत ही लोकल स्थानीय स्तर की। मार्शल कहते हैं मिल्स के समाजशास्त्री विचारों में गहराई ही नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, सी राइट्स मिल ने अमेरिका की सबसे पैनी दृष्टि वाले समाजशास्त्रियों में इनकी गिनती अपना नाम लिखाया है। उनका बौद्धिक जीवन छोटा जरूर था, अर्विंग होरोविज ने तो कहा है कि अमेरिका की उन परिस्थितियों में जो थीं, मिल्स ने जो कुछ लिखा वो मिल्स ही लिख सकते थे, दूसरा कोई नहीं लिख सकता। इसलिए मिल्स हर वक्त लड़ते हुए नजर आए हैं। मिल्स ने अपने विचारों से बहुलवाद, अमेरिकी लोकतंत्र, उदारवाद की वास्तविकता को प्रस्तुत किया। शक्ति विमर्श में अभिजन के सिद्धांत में उनका योगदान अत्यंत प्रभावशाली है। आज 28 अगस्त उनका जन्मदिन है, इसलिए ये पूरा व्याख्यान मैंने सी राइट्स मिल्स पे केंद्रित करके बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों को सी राइट्स मिल्स को पढ़ना चाहिए, सी राइट्स मिल्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें, क्योंकि कम उम्र में कैसे वो व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने संघर्ष करते हुए अपने विचार रखे।